देखिए, सबसे पहले तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला पुलिस है वो सभी करनालवासी जितने भी हैं उनकी सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर है, अपनी तरफ से बेहतर कदम उठा रही है। हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि त्योहारों के मौके पर जो भी लोग बाज़ारों में खरीदारी करने के लिए आते हैं उनको ट्रैफिक की दृष्टि से भी कम से कम असुविधा हो और साथ में किसी प्रकार से अपराध का कोई भय ना हो, अपराधी अपने मनसूबों में कामयाब ना हो सके, इसके लिए हमने व्यापक पुलिस प्रेजेंस हर चौक चौराहे पर सुनिश्चित की है। हमारे जितने भी PCR राइडर और जितने भी हमारी पैदल गश्त है हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हर चौक चौराहे पर मौजूद हो। सर, पटाखों पर लगे प्रतिबंध को लेकर यह कितना कारगर साबित हो सकता है कि इसके लिए क्या प्लान है? देखिए, हमारा सभी लोगों से अनुरोध भी है कि जितने भी प्रशासन के आदेश हैं उनकी पालना करें। जिला प्रशासन और जिला पुलिस भी ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि NGT के भी जो आदेश है और जो जिला मजिस्ट्रेट के जो आदेश है उनकी प्रभावी अनुपालना हो। ये लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोरोना के संबंध में जो भी गाइडलाइंस है स्वास्थ्य मंत्रालय की, फेस मास्क लगाना, मिनिमम दूरी मेंटेन करना इत्यादि का जरूर पालन करें, अनावश्यक रूप से बाज़ारों में ना जाए। और साथ ही जिला पुलिस भी अब जो बिना फेस मास्क के जो लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ चालान कर रही है। पहले हम एवरेज 100 के आसपास चालान कर रहे थे, जो अभी हम 250 के आसपास इस समय चालान कर रहे हैं, क्योंकि ताकि कोरोना का जो महामारी है इस ये कम से कम फैल सके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।